सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो द टेक्निकल ऋतिक यूट्यूब चैनल को। सो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट गेमिंग रिकॉर्डर के बारे में, जो कि यार अगर आप लोग गेम प्लेस करते हो रिकॉर्ड और उनको डालते हो अपने क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो उसके लिए बेस्ट होने वाला है। OBS क्या होता है, आपका लैग कर देता है गेम, जो भी होता है पूरा पावर ले लेता है। तो अगर आपके पास अगर आपके पास एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है कोई भी, तो आप इस वाले क्या कहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर का मज़ा ले सकते हो। और क्या कहते हैं इसमें आपकी जो पावर है वो भी कम यूज़ होगी, कम से कम यूज़ होगी, ठीक है। और कोई भी लोड भी नहीं पड़ेगा आपके प्रोसेसर पर, ठीक है। तो आपको करना क्या है गाइस, पहले तो जो जो वीडियो देख रहा है प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, और जो चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे, देखते हैं कैसे करना है। आपको सबसे पहले तो अपना GeForce एक्सपीरियंस, जब आप क्या कहते हैं कोई भी गेम रेडी ड्राइवर या स्टूडियो ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, तो उसके साथ एक GeForce एक्सपीरियंस नाम से जो ये क्या कहते हैं ये सॉफ्टवेयर है, इसको आपको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है, साथ में इसको कर देना है। और उसके बाद गाइस, ये इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल ऑल्ट और जेड को प्रेस करना है, तो आपका इस टाइप से GeForce एक्सपीरियंस ओपन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है, अगर आप ब्रॉडकास्ट यानी कि स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में स्ट्रीम भी होती है यहाँ से। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर रिकॉर्ड करना है गेम प्ले, तो आपको रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको चले जाना है सिंपल। सो गाइस, आपको सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मतलब पहले आपको ये तीन सेटिंग्स देखने मिलेगी, एंड ये कस्टम का ऑप्शन मिलेगा एक। अगर आप यहाँ पर कुछ भी छेड़ोगे तो यहाँ का कस्टम पर ऑलरेडी सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो गाइस, आप लोगों पहले तो यहाँ पर दिख रहा है ये इंस्टेंट रिप्ले लेन, ठीक है। तो यहाँ से क्या, अगर आप ये जो आपकी सेटिंग है अभी नीचे उसका ये बता रहा है कि अगर ये 10 मिनट की रिकॉर्ड होगी तो 3.8 GB की रिकॉर्डिंग बनाएगी, अगर 20 मिनट की रिकॉर्ड होगी तो ये 7.5 GB की फाइल क्रिएट करेगी। तो आपको जितना भी जितने की देखना चाहे, तो आपके इतने मिनट की हमें वीडियो बनानी है तो कितनी मतलब मेमोरी है जो वो हमारी जाएगी स्टोरेज, तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो गाइस, इसकी मैं सेटिंग बता देता हूँ आपको कुछ, अगर आपका लो एंड पीसी है उसके लिए बता देता हूँ, और अगर आपका हाई एंड पीसी है तो उसके लिए भी बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर कस्टम पर क्लिक कर देना, एंड यहाँ से जब आप आओगे तो यहाँ पर देखो 360p 480p, ये दो तो ये समझ लो कि आपकी जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी, अगर आपका बहुत ही लो कुछ ज़्यादा ही लो पीसी है तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो, अगर ग्राफिक्स कार्ड भी आपका ज़्यादा दमदार नहीं है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका मिड रेंज पीसी है मतलब मीडियम रेंज का, तो आप ये दो 720p HD और 1080p HD दो में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको 4K तक का सपोर्ट मिल जाता है। आपके ग्राफिक्स कार्ड का अलग होगा, क्योंकि अगर आपका अच्छा ग्राफिक्स कार्ड होगा तो 4K तक 8K तक का आपको सपोर्ट दिखेगा, और अगर आपका मेरे जैसा वो 1650 तो आपको 4K तक का दिख जाएगा। तो गाइस, 4K जो है वो हाई एंड क्या कहते हैं रेजोल्यूशन है, जो कि इसकी सबसे हाई है। तो यहाँ से इतना हाई नहीं रखना है आपको, 1080p रखोगे तो आपको यहाँ भी अच्छी खासी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। और आपको फ्रेम रेट्स में रखना है आपको, या तो अगर आपका लो एंड पीसी है तो 720p करके आपको 30 FPS यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप स्मूथ गेम प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए अगर आप ये करोगे तो आपका गेम है जो बहुत लैग करेगा, इसलिए आपको 30 FPS कर लेना है, बेस्ट है, ठीक है। एंड इसके बाद अभी मैं 60 FPS कर लेता हूँ उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास मीडियम है, ठीक है। आपको यहाँ पर 60 FPS पे सेट कर देना है, और यहाँ से आपको बिटरेट, ये मेन चीज़ है जो आपके पूरा रेजुलेशन है और गेम प्ले का जो क्लैरिटी है उसको उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो अगर आप इसका 10 MBPS बिटरेट रखोगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो थोड़ी धुंधली टाइप दिखेगी, मतलब ब्लरी ब्लरी टाइप दिखेगा, कुछ भी मतलब अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं। तो आप अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको 20 MBPS से देखो, अगर आपका लो एंड PC है तो आप इसको 20 MBPS कर सकते हो, इस पर आपको क्वालिटी भी बेस्ट मिलेगी, मतलब अच्छी मिलेगी ठीक ठाक, और क्या कहते और मतलब जो भी टेक्सचर्स वगैरह हैं वो मिसिंग नहीं होगा। और अगर आपका मिड रेंज है तो आप 30-40 MBPS इसका बिटरेट है जो वो रख सकते हो,
ठीक है, तो मैं इसका जो बिटरेट है वो 40 रखता हूँ, 50 भी रख देता हूँ तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने मिलती है। 40 Mbps में वैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 40 Mbps पे सेट किया। तो अगर मैं 10 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है, अगर उसको 10 मिनट की रिकॉर्डिंग करूँगा तो लगभग 3 GB स्टोरेज है वो ले लेगा, ठीक है। और 20 मिनट्स की करूँगा तो 6 GB स्टोरेज ले लेगा। तो अभी मैं इसको 10 मिनट पे सेट कर देता हूँ। एंड यहाँ से अब हमको करना क्या है, सेव पे क्लिक कर देना है। अब अगर आपको रिकॉर्डिंग बाई चांस स्टार्ट करनी है तो आपको करना क्या है, आपको ऑल्ट और जेड दबाना है। और यहाँ से आपको, अगर आपको क्या कहते हैं, यहाँ से करना चाहते हो यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो ऑल्ट और F9 आप प्रेस कर सकते हो डायरेक्टली, तो स्टार्ट हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको ऑल्ट और क्या कहते हैं F9 ये दिख रहा है सामने, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो उसको। तो यहाँ पर मैं ऑल्ट और F9 दबा के दिखा देता हूँ आपको। तो अब जो गेम प्ले आपको दिखेगा वो क्या कहते हैं, आगे की जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी दिखेगी वो आपको उसी सॉफ्टवेयर से देखने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर जो अब आपको ऑडियो क्वालिटी और रिकॉर्डिंग क्वालिटी दिख रही है, ये आपके क्या कहते हैं उसी से दिख रही है, एनवीडिया के जी फोर्स एक्सपीरियंस वाले स्क्रीन रिकॉर्डर से, जो कि ग्राफिक्स कार्ड के साथ इनबिल्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम अपना कोई भी एक गेम रन कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसी क्वालिटी देखने मिलती है। सो गाइस, यहाँ पर हमने गेम को ऑन कर लिया है। सो गाइज, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो कितनी ही स्मूथ हो रही है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी गेम चल रहा है बिल्कुल ना ही तो यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं ना ही कुछ हो रहा है। सो गाइस, अब जो है मैं दोबारा से OBS पे आ गया हूँ, OBS से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो गाइस, आपने देखा कि कोई भी सेटिंग लैग इशू कुछ भी देखने नहीं मिला है। तो आप लोग इसी तरीके से कर सकते हो आराम से रिकॉर्डिंग। तो अगर आप NVIDIA से रिकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत ही स्मूथ होगा, एंड कलर्स वगैरह जो आपको सब कुछ उसमें बेस्ट दिखने वाला है। तो क्या कहते हैं, आप NVIDIA ही यूज करना जब आप गेम प्ले रिकॉर्डिंग करें, तो आप हमेशा NVIDIA से ही रिकॉर्ड करना, क्योंकि उससे जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेटर देखने मिलती है। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक करके जाना वीडियो को, और जो जो चैनल पर नया था वो सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो अपने भाई का चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। Towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. If you're heading down the wrong path, then reverse it. Put your head down and damn it, start working. Cause we all need a little bit of hope to help us cope as we go down this road on our own, never knowing where it goes. Always wonder if we're close, always wonder if we chose the right fork in the road. Who knows? You don't, I don't. Is everybody stoned? I groan. Cause I'm sick of mediocrity. Where's the quality? Everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot, that's all you got. Take it right now before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story. You control the plot, yeah. One shot.